वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मल्टीबैगर वर्ल्ड और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल मल्टीबैगर वर्ल्ड। तो गाइस, इस वीडियो में हम तीन ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक देखने वाले हैं जो कि स्मॉल कैप स्टॉक हैं। सारे के सारे जितने भी मैं आपको देने वाला हूँ, अलग अलग तीन इंडस्ट्री के तीन स्टॉक यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जो भी स्टॉक हैं अभी तक काफ़ी गुना रिटर्न दे चुके हैं और आने वाले टाइम में जो बहुत ज़्यादा यानी कि 20 से 30 गुना रिटर्न भी यहाँ पर देने का दमखम रखते हैं। तो इन स्टॉक्स पर आप नज़र बना के रखिए, क्योंकि मोस्टली ये डेट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। जो भी इनके अभी प्राइजेस चल रहे हैं अंडर वैल्यूड हैं, यानी कि आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। बहुत ही शानदार स्टॉक रहने वाले हैं और जितने भी स्टॉक लेने वाले हैं आप इसमें पार्शली इन्वेस्टमेंट कर चलिएगा, तभी आपको वहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल पाएगा। तो चलिए जान लेते हैं वो तीन स्टॉक कौन से हैं जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है आपको सामने देखने को मिल रहा होगा, कल्याणी स्टील लिमिटेड। कल्याणी स्टील लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है और सेल्स भी करता है आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स की। बहुत ही शानदार अभी तक रिटर्न दे चुका है और अभी इसका मार्केट कैपिटल जो आपको देखने को मिल रहा होगा 1990 करोड़ का यहाँ पर बना हुआ है। करंट मार्केट प्राइस 400 से ऊपर का ये चल रहा है। लो आप देख सकते हो 196 का इसने लो बना है और 466 का इसका हाई बना हुआ है इसी साल। और यहाँ पर हम देखेंगे तो डेट कंपनी के ऊपर 168 करोड़ का डेट है। कैश फ्लो इनके पास अभी पड़ा हुआ है 223 करोड़ का, जो कि आराम से ये डेट अपना चुका सकते हैं, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट है वो 137 करोड़ का तो प्रॉफिट ही इनका बना हुआ है। बहुत ही शानदार यहाँ पर आपको इसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी अभी जब मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी का आने वाला है वो एक्सपेक्ट है कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रिजल्ट आ सकता है। यहाँ पर आप होल्डिंग देख सकते हो, प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है यहाँ पर 64.71% की यहाँ पर प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। FIIs की भी होल्डिंग है 2.92% की होल्डिंग, काफ़ी अच्छी यहाँ पर बनती हुई और ग्रोथ देखती हुई मिल रही होगी आपको यहाँ पर, कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट FIIs कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है और DIIs भी अपना इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के अंदर कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है। 9.30% का यहाँ पर DIIs के पास भी होल्डिंग हो चुकी है। बाकी की जो होल्डिंग है 23.23% की वो पब्लिक के पास होल्डिंग पड़ी हुई है। यहाँ पर आप कंपनी की जो ग्रोथ है उसको आराम से देख सकते हैं, 92.92% की यहाँ पर रिटर्न ये एक साल के अंदर दे चुका है। और यहाँ पर पाँच साल की बात करें तो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा होगा। मैक्सिमम देखें जब से ये लिस्ट हुआ है, यानी कि 2008 में ये 22 रुपये से लिस्ट हुआ था और अब तक ये यहाँ पर करीब 18 गुना रिटर्न दे चुका है, यानी कि 1788% का, यानी कि लगभग 18 गुना यहाँ पर ये रिटर्न दे चुका है और भी ज़्यादा ये रिटर्न देने के लिए तैयार है। इंट्रेंसिक वैल्यू देखें तो प्राइसेस जो हैं वो अंडर वैल्यूड चल रहे हैं, यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पर FD और रिटर्न्स भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। FD से ज़्यादा रिटर्न देती है ये कंपनी, डिविडेंड भी देती है ये कंपनी। एंट्री पॉइंट काफ़ी अट्रैक्टिव है, ASM GSM की लिस्ट में नहीं है, यानी कि कंपनी के जो स्टॉक है उसमें मैनिपुलेशन नहीं देखा गया है अभी तक और यहाँ पर कोई भी स्टॉक प्लेज नहीं किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी के जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। 12 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 2008 में, फिर 2019 में यहाँ पर 13 लाख का, फिर 14 लाख का, फिर यहाँ पर 19 लाख का प्रॉफिट देखने को मिला है 2021 में। कंटिन्यूसली यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहे हैं। और अब जो हमारा दूसरा स्टॉक है ये आपको देखने को मिल रहा होगा, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड का स्टॉक है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है कॉर्न स्टार्च डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मार्केट में है ये पूरी तरह से। और यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा सोया डेरिवेटिव्स में भी है, फीड इंग्रेडिएंट्स में भी है, कॉटन यान और यहाँ पर एडिबल ऑयल्स के अंदर भी है। तो यहाँ पर ये जो है वो फूड, फार्मास्यूटिकल, फीड में और मैनी अदर इंडस्ट्री में ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अपना प्रोसेस चला रहे हैं, यानी एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर ये बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, जिस वजह से इस स्टॉक के अंदर और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 88.6 रुपीज़ का इसने लो बनाया था और 202 रुपीज़ का ये हाई बना चुका है एक साल के अंदर। डेट देख सकते हैं 173 करोड़ का डेट है। कैश फ्लो 156 रुपीज़ करोड़ का यहाँ पर कैश फ्लो रखा हुआ है, यानी कि डेट आराम से चुका सकते हैं, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट है 146 का इनका एनुअल प्रॉफिट है। तो यहाँ पर डेट जो है वो आराम से ये चुका सकते हैं, इसलिए इस कंपनी को भी हम डेट फ्री ही कहेंगे। तो ये कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। CAGR देख सकते हो 28% से भी ज़्यादा का यहाँ पर परसेंटेज में रिटर्न दे रहा है 5 साल से पर ईयर में। प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो कि 63.80% की यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग पड़ी हुई है। FIIs यहाँ पर अपनी कंटिन्यूसली होल्डिंग बढ़ा रहा है, 3.68% की इसने कर दी है। DIIs ने यहाँ पर 0.07% की यहाँ पर अपनी होल्डिंग रखी हुई है। बाकी जो पब्लिक के पास होल्डिंग रखी हुई है 32.41% की। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो एनुअल रिटर्न है, यानी कि एक साल में जो इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है 107% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है ये।
5 साल में यहाँ पर देखेंगे तो 375% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। और यहाँ पर आप मैक्सिमम देखेंगे तो मैक्सिमम में आपको देखने को मिल रहा होगा जब से ये स्टार्ट हुआ है, यानी 2002 से स्टार्ट हुआ था, 0.83 पैसे से, यानी कि रुपए से, ये यहाँ पर लिस्टिंग दी थी। और यहाँ पर अब तक जो रिटर्न दिया है इसने 2002 से, वो यहाँ लगभग 25 गुना रिटर्न दे चुका है, और भी इसमें अभी चांसेस हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाने के। तो यहाँ पर जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है यहाँ पर एंट्री लेने के लिए, क्योंकि अंडर वैल्यूड स्टॉक है, एफडी से ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी है। डिविडेंड ये ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा स्मॉल कैप कंपनी से, एंट्री पॉइंट काफ़ी अट्रैक्टिव है। ASM GSM की लिस्ट से ये बाहर है, यानी कि मैनिपुलेट नहीं होता है ये स्टॉक, और यहाँ पर कोई भी स्टॉक प्लेज नहीं है। फोरकास्ट यहाँ पर देख सकते हैं 100%, जितने भी एनालिस्ट हैं उनका यहाँ पर 100% एनालिस्ट का यही कहना है कि आप इस स्टॉक के अंदर होल्डिंग बनाकर चलिए, ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसके प्रॉफिट्स हैं वो कंटिन्यूअसली आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे होंगे, 18 लाख, 20 लाख, फिर 15 लाख, और यहाँ पर 34 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है 2021 में। और आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है इस स्टॉक के अंदर। और अब जो हमारा थर्ड स्टॉक है ये हमारा श्री रायलसीमा हाई स्ट्रेंथ हाइपो लिमिटेड का। इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है इनऑर्गेनिक केमिकल्स फील्ड में ये काम करती है, और इसका जो एंगेजमेंट है मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स दोनों में ही ये है इंडस्ट्री के केमिकल, और दूसरी चीज़ ये है जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर इंडस्ट्री में भी ये है, जनरेट भी करती है डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। मार्केट कैपिटल यहाँ पर देख सकते हो 572 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 333 प्राइस पर अभी ये चल रहा है, 156 का यहाँ पर लो बन चुका है और 370 का यहाँ पर हाई बना चुका है। डेट यहाँ पर जो देख सकते हो आप 71.3 करोड़ का यहाँ पर डेट है, जहाँ पर इसकी कैश फ्लो देख सकते हो 91.2 करोड़ का यहाँ पर कैश फ्लो पड़ा हुआ है, तो यानी कि ये डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि इसका एनुअल आप प्रॉफिट भी देखेंगे तो 37.90 करोड़ का यहाँ पर एनुअल प्रॉफिट बना हुआ है। कंपनी जो है वो आपको क्वार्टरली रिजल्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। CAGR देख सकते हो 25.20% का CAGR 5 साल के ये पर ईयर का चल रहा है। प्रमोटर्स की इधर पर होल्डिंग देख सकते हो 62.05% की यहाँ पर होल्डिंग पड़ी हुई है। FIS की भी होल्डिंग है इसमें थोड़ी बहुत, और DIS की भी थोड़ी बहुत होल्डिंग है, तो ट्रस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर बचा हुआ जो 37.89% है वो पब्लिक के पास होल्डिंग पड़ी हुई है। 1 साल का आप यहाँ पर रिटर्न देख सकते हो 89.54% का यहाँ पर रिटर्न दे चुका है। 5 ईयर्स में देख सकते हो 224% का यहाँ पर रिटर्न दे चुका है। मैक्सिमम में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ₹22.20 पर इसने लिस्टिंग दी थी 2017 में, और अब तक ये 13 गुना रिटर्न दे चुका है, यानी 1300% का, यानी 13 गुना यहाँ पर रिटर्न अभी तक ये दे चुका है। इंटेंसिक वैल्यू देखेंगे यानी कि अंडर वैल्यूड ये स्टॉक चल रहा है अभी, FD से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है ये कंपनी में, और डिविडेंड काफ़ी अच्छा ये देने वाली कंपनी है, एंट्री पॉइंट काफ़ी अट्रैक्टिव है, और यहाँ पर जो कोई भी फ्लैग नहीं है, यानी ASM GSM के अंदर ये लिस्ट नहीं है, यानी कि इसके अंदर भी कोई मैनिपुलेशन नहीं है और कोई भी स्टॉक इसके अंदर प्लेज नहीं है। प्रॉफिट्स यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए नजर आएंगे, 36.61 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट रहा था, 20.43% करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट रहा था, 37.91 करोड़ का प्रॉफिट था, और 2021 की बात करें तो 60.57% करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट रहा है। यानी कि कंपनी बहुत बढ़िया तरह से यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है इस कंपनी के अंदर। तो जो भी मैंने आपको कंपनी बताई है वो 3 कंपनी मैं यहाँ पर कंप्लीट कर चुका हूँ। आपका डिसीजन है आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। मैं आपको सबसे बेहतरीन स्टॉक यहाँ पर स्मॉल कैप के बता चुका हूँ, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर 20 से 30 गुना भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हो सकता है किसी स्टॉक में 10 गुना मिले, किसी में 20 मिल जाए, किसी में 30 गुना भी मिल जाए आपको आने वाले 10 साल में। तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर आप पार्शियली इनमें इन्वेस्टमेंट करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से लोगों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।